हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू योर जी के क्लास टूडे वी विल रीड लेसन थर्टी टू ऑफ जी के इन दिस लेसन वी रीड फेस्टिवल ऑफ इंडिया फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया मतलब हमारे भारत देश के त्योहार तो लेट्स रीड द लेसन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स तो बच्चों इसमें है हम कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं उनमें अपने फेस्टिवल के अकॉर्डिंग उनको फिलअप करना है नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से फाइंड आउट करके आपको उसको फिलअप को भरना है यस yes. तो उसको फिल करने के लिए लेट्स रीड द ले पॉइंट वन डैश सेलिब्रेट्स द डे राम रिटर्न टू अयोध्या तो कौन सा दिन है जो राम के अयोध्या लौटने पर मनाया जाता था मनाया गया था या उनकी याद में मनाया जाता है तो क्या कहते हैं उसका नाम है दिवाली दिवाली सेलिब्रेट्स द डे राम रिटर्न टू अयोध्या द सेकेंड इज ईस्टर इज सेलिब्रेट एज द डे जीजस क्रिस्ट रोज फ्रॉम द डेड ईस्टर क्या कौन सा डे सेलिब्रेट होता है जीजस क्रिस्ट रोज फ्रॉम द डेड थर्ड इज डैश इज द बर्थडे ऑफ झूलेल वर्षिप्ड बाय द सिंधीज जो झूले लाल जी का सिंधी सिंधी लोग होते हैं ना आपने देखा होगा कास्ट वाइज सिंधी होते हैं वो अपने भगवान झूले लाल का जन्मदिन मनाते हैं कौन से त्यौहार के रूप में चेटी चंड सी एच ई टी आई सी एच ए एन डी चेटी चंड यस द नेक्स्ट इज फोर्थ डैश इज़ वन ऑफ द टू मेन होली फेस्टिवल ऑफ़ फ्लावर्स ऑफ इस्लाम वर्ल्ड वाइड जो मुस्लिम लोगों का त्यौहार है कौन सा है वो ईद उल अदा क्या आएगा ई आई डी यू एल ए डी एच ए ईद उल अदा इज़ अ वन ऑफ टू मेन होली फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स ऑफ इस्लाम वर्ल्ड वाइड येस इन द फिफ्थ इज डैश सेलिब्रेट द बॉन्ड ऑफ अफेक्शंस बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर कौन सा है त्यौहार जो भाई बहन के बंधन को के रूप में मनाया जाता है या उनके बंधन को मजबूत करता है रक्षाबंधन आर के एस एच ए बी ए एन डी एच ए एन रक्षाबंधन यस इट्स आंसर इज रक्षाबंधन एंड द सिक्स इज डैश इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला इट सेलिब्रेट द होम कमिंग ऑफ किंग महाबली तो ये केरला के लोग मनाते हैं सॉरी <coughs> इसको केरला के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं क्या नाम है इसका ओनम यस, ओ एन ए एम ओनम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला केरला का सबसे बड़ा त्यौहार है जो मनाया जाता है एंड द सेवेंथ इज़ डैश इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ़ तमिलनाडु जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है वो कौन सा त्यौहार है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाया जाता है ना जब वो खेती कर चुके होते हैं तो उस खुशी में मतलब मनाया जाता है तो ये कौन सा त्यौहार है पोंगल पी ओ एन जी ए एल पोंगल यस पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ़ तमिलनाडु ठीक है एंड एट इज़ एट थी डैश इज द सिख फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ गुरु नानक जो गुरु नानक जी के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है वो कौन सा त्यौहार है गुरु गुरुपुरब जी यू आर यू पी यू आर ए बी गुरु पर्व इज़ सिख फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी नाउ वी रीड द लेसन थर्टी थ्री विच नेम इज़ पंडित्स एंड उस्ताज जो हमारे इंडिया के वे, या भारत देश के पंडित और उस्ताद के रूप में माने जाते हैं उनके बारे में ये लेसन रीड करें नाउ रीड द लेसन अ पर्सन हु प्ले अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड अ म्यूजिशियन। ए पर्सन जो म्यूज़िक मतलब संगीत बजाता है संगीत वादन बजाता है उसको क्या कहते हैं म्यूजिशियन यस मैच दिस लिजेंड्री इंडियन म्यूजिशियन विद द इंस्ट्रूमेंट दैट दे प्ले और प्लेड नाउ वी मैच दीज वर्ड्स म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट इसको म्यूजिशियन को इंस्ट्रूमेंट से मैच करोगे कि कौन से म्यूजिशियन का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है यस नाउ फर्स्ट इज़ उस्ताद जाकिर हुसैन उस्ताद जाकिर हुसैन किस इंस्ट्रूमेंट के म्यूजिशियन थे वो तबला उसी से मैच करेंगे इसको तबला सी से मैच करेंगे तबला उस्ताद जाकिर हुसैन का आएगा तबला एंड सेकेंड इज़ उस्ताद शाहिद परवेज तो शाहिद परवेज ये उस्ताद शाहिद परवेज का आ जाएगा सितार क्या आ जाएगा सितार ई ई सितार आ जाएगा ठीक है ना ई नंबर पे है जो ई अल्फाबेटिक उसमें सितार है जो वो उसका उस्ताद शाहिद परवेज़ का मैचिंग है एंड द थर्ड मैचिंग इज़ पंडित विश्व मोहन भट्ट तो पंडित विश्व मोहन भट्ट का मैचिंग क्या है नाओदा मोहन वीणा ये ध्यान से देखो इसमें मैच भी हो रहा है ना विश्व मोहन भट्ट तो मोहन वीणा तो बी आ जाएगा इसका आंसर थर्ड का क्या है बी आंसर है मोहन वीणा एंड द फोर्थ इज पंडित शिव कुमार शर्मा पंडित शिव कुमार शर्मा का मैचिंग है संतूर क्या है संतूर तो ये क्या है ए ए ऑप्शन किसकी है पंडित शिव कुमार शर्मा की संतूर और फिफ्थ है उस्ताद अहमद अमजद अली ख़ान सॉरी उस्ताद अमजद अली ख़ान सॉरी तो उस्ताद अमजद अली ख़ान का मैचिंग क्या है फिफ्थ सरोड मतलब एफ़ इसका मैचिंग क्या आ जाएगा फिफ्थ का एफ़ मैच, मैचिंग आ जाएगा सरोड यस yes. एंड द सिक्स मैचिंग इज़ पंडित हरि प्रसाद चौरसिया पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का मैचिंग क्या आ जाएगा डी फ्लूट क्या आ जाएगा डी फ्लूट फ्लूट बांसुरी देखिए ना आप लोगों ने तो इस तरीके से हमारा थर्टी थ्री भी लेसन कंप्लीट होता है इसको मैचिंग को अच्छे से राइट करोगे इनके सामने नंबर डालकर ना वी रीड द थर्टी फोर लेसन नंबर थर्टी फोर लेसन विच टॉपिक विच टाइटल इज फेमस स्पोर्ट सन्स मतलब जो प्रसिद्ध स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन है उनके बारे में बताया गया है लेट्स रीड द लेसन टिक द करेक्ट आंसर इसमें क्या है आपको सेंटेंस दिया हुआ है उसके नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं नाउ वी टिक राइट आंसर ओके लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एथलीट इज निकनेम्ड लाइटिंग बोल्ट लाइटिंग बोल्ट किसको कहा गया है ए ऑप्शन है माइकल फेल्प्स बी हुसैन बोल्ट नाडिया कमेंसी एंड मोहम्मद अली तो इसका राइट आंसर बी है हुसैन बोल्ट हुसैन बोल्ट

वुड्स नाउ द थर्ड इज विच फुटबॉलर मेड हीज प्रीमियर लीग डेब विद द मैनचेस्टर यूनाइटेड इन नाइनटीन नाइन्टी टू तो इसका राय इसके ऑप इसके ऑप्शन हैं ए डेविड बैकम बी जीनेडिन जीडेन सी वाइना रोने एंड डी रोनालिनो तो इसका राइट आंसर क्या है ए डेविड बैकम राइट आंसर इज़ ए डेविड बेकम एंड फोर्थ इज़ विच फास्ट बॉलर वाज निक नेम द सुल्तान ऑफ स्विंग किसको मतलब सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से जाना जाता है तो ऑप्शन क्या है ए शोएब अख्तर बी वसीम अकरम सी इमरान खान डी जहीर खान तो इसका राइट right आंसर क्या है बी वसीम अकबर यस अकरम सॉरी वसीम अकरम एंड द फिफ्थ इज इन 1986 एटी सिक्स हु बिकम द यंगेस्ट बॉक्सर टू विन द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप डब्ल्यू तो इसमें ऑप्शन क्या है मोहम्मद अली बी माइक टाइसन फ्लोइड मे फीदर जू आर और डी मैनी पैक्यो तो इसका राइट आंसर क्या है बी माइक टाइसन माइक टाइसन यस बी राइट आंसर है फिफ्थ का एंड सिक्स इज विच बास्केटबॉल प्लेयर वाज वजनिक नेम डीजल एंड बिग शैमरोग तो किसका नाम है ये ऑप्शन में है ए कोब्रैंड बी माइकल जॉर्डन सी लैरी बर्ड डी सेक्किल ओ नील तो इसका राइट right आंसर है शकील और नील से का राइट right आंसर क्या है डी यस तो नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीट अवर थर्टी फोर लेसन ओके तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देखोगे और अपने बुक में बुकवर्क राइट करोगे थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो हैव अ नाइस डे